प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को नोएडा में मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और उससे पहले आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा आ रहे हैं। आज बागपत में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री नोएडा पहुंचेंगे और 25 दिसंबर को होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। आज सीएम योगी का हेलीकॉप्टर बॉटनिकल गार्डन में बनाए गए हेलीपैड पर लैंड करेगा। यहां से वो एमिटी यूनिवर्सिटी जाएंगे। नोएडा एसएसपी लव कुमार ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए तैयारियों के बारे में बताया। सीएम योगी के लिए नोएडा को सजाया धजाया जा रहा है। तो अंधविश्वास को तोड़कर योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के नोएडा आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा विश्वास रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आता है वो अपनी कुर्सी गंवा देता है या फिर सत्ता में उसकी वापसी नहीं होती है। इसलिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन हो चाहे कोई बड़ी रैली हो, नोएडा कोई मुख्यमंत्री नहीं आना चाहता। भले ही किसी दूसरे शहर से आसपास से परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिया गया हो, लेकिन आज इन तमाम अंधविश्वासों को तोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ नोएडा आ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से सारे मानकों के अनुरूप पुलिस बल लगाया जा रहा है और जो भी सुरक्षा के मानक प्रधानमंत्री जी की विजिट के हिसाब से दिए गए हैं सभी का पूर्णतः हम लोग पालन करते हुए और पूरी तरह सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करेंगे। देखिए, पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल हमें मिला है और उसके लिए जो हमारा लोकल पुलिस बल है वो भी है और बाहर से अन्य जिलों से और पीएसी वगैरह बाहर से काफ़ी पुलिस बल हमें मिला है। संख्या अभी यहाँ आपके सामने नहीं डिस्क्लोज करूँगा, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल हमारे पास है। कल किस कितने बजे जो है पुलिस डिप्लॉय हो जाएगी हेलीपैड से लेकर यहाँ? जो भी आगमन है उससे पर्याप्त समय पहले हम लोग अपना पुलिस बल की ड्यूटीज लगा देंगे और रूट ड्यूटीज वगैरह वो सब पूरी तरह हम लोगों की चुस्त दुरुस्त और समय से उपस्थित रहेंगे। लगभग 1 बजे आएंगे और 2:40 के लगभग जाएंगे। सीएम साहब का कितने बजे कार्यक्रम? अभी कार्यक्रम आना है। समय बताएंगे? माननीय मुख्यमंत्री कल भी आ रहे हैं, पूरे प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को रिव्यू करने के लिए कल भी आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के नोएडा में 29 साल बाद आज कुछ नया होने जा रहा है। आज कई वर्षों के बाद नोएडा में उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री आ रहा है। जी हां, दरअसल नोएडा नहीं आने के पीछे एक अंधविश्वास है कि नोएडा आने से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है। लेकिन योगी आज नोएडा में पीएम मोदी के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। नोएडा जब हर आम और खास का स्वागत करता है तो नेता यहां आने से क्यों डरता है? 25 दिसंबर को दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन का उद्घाटन होने जा रहा है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नोएडा के बोटानिकल गार्डन से कालकाजी मंदिर तक जाने वाली मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के अशुभ को ही समाप्त करने के लिए हम लोग आए हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश का पार्ट है और हम जैसे लोगों को तो अशुभ को दूर करने के लिए लाया गया है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री नोएडा आने से बचते रहे हैं। इसके पीछे ये अंधविश्वास है कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आता है उसकी कुर्सी चली जाती है। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह नोएडा आए और चुनाव हार गए। 1989 में एनडी तिवारी नोएडा आए तो उनकी कुर्सी चली गई। 1999 में कल्याण सिंह ने नोएडा में जमकर चुनाव प्रचार किया तो नवंबर महीने में उनकी कुर्सी भी चली गई। यही वजह है कि 2001 में राजनाथ सिंह ने नोएडा फ्लाईओवर का उद्घाटन दिल्ली से किया। 2006 में निठारी कांड हुआ, सरकार हिल गई, लेकिन मुलायम सिंह यादव नोएडा नहीं आए। 2011 में मायावती नोएडा आई तो 2012 में चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गई। फिर दिसंबर 2016 में अखिलेश यादव ने लखनऊ में बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा की परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिया। मुख्यमंत्री नोएडा ना आए तो दोष किसका? कहा जाता है कि सारा दोष रावण का है। मान्यता है कि नोएडा के बिसरख गांव में रावण का जन्म हुआ था। यही वजह है कि ये धरती अभिशप्त है और इस धरती पर आने वाले की कुर्सी वैसे ही छिन जाती है जैसे रावण का सिंहासन छिन गया था। देश हित में ये जरूरी है कि हमारे नेता तर्क के आधार पर काम करें,
न कि बंधी बंधाई लकीरों के आधार पर, अफवाहों के आधार पर और गलत मान्यताओं के आधार पर, ताकि कोई भी अंधविश्वास कभी भी तरक्की के रास्ते में रोड़ा न बने। आपको इस अंधविश्वास पर थोड़ी हंसी आ सकती है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्री नोएडा आने से बचते रहे हैं। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री नोएडा आने से बचते क्यों रहे हैं, ये अब हम आपको बताने वाले हैं। इसके पीछे ये अंधविश्वास है कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आता है उसकी कुर्सी चली जाती है। 1988 में मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह नोएडा आए और चुनाव हार गए। 1989 में एनडी तिवारी नोएडा आए तो उनकी कुर्सी चली गई। 1999 में कल्याण सिंह ने नोएडा में जमकर चुनाव प्रचार किया तो नवंबर महीने में उनकी भी कुर्सी चली गई। और यही वजह है कि 2001 में राजनाथ सिंह ने नोएडा फ्लाईओवर का उद्घाटन दिल्ली से किया। 2006 में निठारी कांड हुआ, सरकार हिल गई, लेकिन मुलायम सिंह यादव नोएडा नहीं आए। 2011 में मायावती नोएडा आई तो 2012 में चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गई। फिर दिसंबर 2016 में अखिलेश यादव ने लखनऊ में बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अब इस अंधविश्वास का डर कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश के एक इलाके में आने से अब तक कैसे डरता रहा है। सीएम अंधविश्वास को खत्म तो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन आपको उस मौके के बारे में भी जानना जरूरी है कि आखिर क्या बात है कि सीएम नोएडा आ रहे हैं, पीएम मोदी नोएडा में मेट्रो एक लाइन जो है उसका उद्घाटन करने वाले हैं और सीएम योगी मौजूद रहेंगे। उससे पहले आज जो तैयारियां हुई हैं उसका वो जायजा लेंगे। कैसी है जो नई लाइन जिसकी शुरुआत होने वाली है, ये जानकारी दे रही हैं जी मीडिया रिपोर्टर कविता शर्मा। दिसंबर को दिल्ली वालों को मिलेगा क्रिसमस का तोहफा। मजिंडा लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले जी न्यूज पर आपको इस मजिंडा लाइन की पहली झलक हम दिखाने वाले हैं। क्या खासियत है इस मजिंडा लाइन में, और देश की पहली ऐसी मेट्रो है जिसमें ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। बोटानिकल गार्डन से लेकर कालका जी तक का सफर हम इस मजिंडा लाइन में करेंगे और आपको बताएंगे कैसे ये जो लाइन है कम समय में आपको जो 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है, महज 19 मिनट में आप ये बोटानिकल गार्डन से लेकर कालका जी तक का सफर तय कर पाएंगे, और क्या खासियत है इस मेट्रो में आपको दिखाएंगे। ये ड्राइवर का कैबिन जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये जो ट्रेन है ये ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी इसमें इंट्रोड्यूस की गई है। ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि बिना अटेंडेंट के भी इस ट्रेन को चलाया जा सकता है। साथ बात करने के लिए अनुज दयाल जी हैं। सबसे पहले सर, ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, क्योंकि इंडिया में पहली बार दिल्ली मेट्रो में ही ये चलाई जा रही है। ये ड्राइवरलेस नहीं है, ये ट्रेन ड्राइवरलेस नहीं है, ये टेक्नोलॉजी हाई लेवल ऑटोमेशन है। इसमें ड्राइवर रहेगा, इसमें पर्सन रहेगा। डीएमआरसी ने कभी ये नहीं बोला कि बिना ड्राइवर के ये चलेगी। इसमें लेवल ऑफ ऑटोमेशन इतना हाई है कि ये ट्रेन अपने आप भी चल सकती है, लेकिन जब तक पब्लिक में फुल कॉन्फिडेंस और डीएमआरसी भी ये, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में, हम एक आदमी रखेंगे ट्रेन में, हो सकता है 1 साल या 2 साल बाद एक्सपीरियंस के बेस पे हम शायद आदमी विड्रॉ करें, फिलहाल ड्राइवर रहेगा ट्रेन में। ठीक है, क्या 25 दिसंबर को ही इनॉग्रेशन के बाद आम लोगों के लिए भी ये ट्रेन, ये लाइन खोल दी जाएगी? हाँ बिल्कुल, 25 दिसंबर को शाम के 5 बजे से ये लाइन पब्लिक के लिए अवेलेबल रहेगी। कोच की ये ट्रेन है, 9 स्टेशन पर रुकेगी। लगभग 40,000 करोड़ की लागत में ये जो ट्रेन है कह सकते हैं वो पूरा बनाया गया है फिलहाल। और एक कलर इसमें इस्तेमाल किया गया है, पिंक कलर। आपको बता दें ये लेडी स्पेशल जो डब्बा है उसे भी यहाँ पर एक नए कलर में लाया गया है, इसका लुक बेहद खास है। कैमरामैन गौरव के साथ कविता शर्मा, जी मीडिया दिल्ली।